अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। मैं सलमा अजमल हाजरा अजमल के साथ आप लोगों का हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के भज्जी, आलू के पकोड़े। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फिर हमने बेसन ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून चावल काटा, थोड़ी अजवाइन, चुटकी भर बेकिंग सोडा और यहाँ पे मैंने तेल गर्म के लिए रख दिया है और ये नीम गर्म तेल इसमें 2 टेबलस्पून, फाइनली चॉप करी लीव्स, धनिया, हरी मिर्च। अगर तीखा नहीं चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्च एकदम डिस्कार्ड कर सकते हैं कम्प्लीटली, और स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाजरा, आलू पकौड़े में ना और एक टाइप का होता है जिसमें ज्यादा कोटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आलू ज्यादा क्रिस्पी वाला चाहिए, तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ फ्यूचर में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी जो है झटपट, इसमें कुछ आलू को नहीं, जैसे ही काटेंगे बनाते जाएंगे। तो इसमें जितना आपको पानी ग्रेजुअली ऐड करेंगे, मिक्स करते जाएंगे, एक अच्छा सा थिक बैटर बनाएंगे, इसमें थिन नहीं रहेगा, एकदम थिक बैटर। एक आधा ग्लास गया ना सलमा? हाँ अभी तक। हाँ क्योंकि ज़्यादा अगर एक साथ डालेंगे तो लम्स बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सा बैटर, थिक बैटर तैयार कर लिया है। अगर आप इसको कोट करेंगे तो आराम से गिर रहा है बैटर। यस। तो यहाँ पे देखिए मैंने बारीक स्लाइस कट कर लिए हैं और तेल अच्छा खासा गर्म हुआ है तो मीडियम करेंगे फ्लेम को, और इसमें हमारा आलू डिप करेंगे। ओके। और इसमें ऐड करते जाएंगे। और आलू, जब भी आलू भज्जी बनाएं, जितना बड़ा आलू रहेगा मज़ा उतना अच्छा लगेगा आपको। हाँ, बनाने में वो तो है। ये बहुत मीडियम साइज़ है। हाँ अभी यही अवेलेबल थे, है ना सलमा? यस। और सलमा, आलू भज्जी अच्छी खासी फूल रही है, है ना? हाँ। ये निशानी है ना कि भज्जी अच्छी जा रहे हैं। यस। और जो साइड से ब्राउन हो गए हैं उसको उलट पुलट अभी आराम से कर सकते हैं, जो अभी रिसेंट डाला है उसको टच नहीं करेंगे, और माशाल्लाह अच्छे से फूल रहे हैं। आप जो 10 मिनट रेस्ट कर दीजिए बैटर को तो अच्छे से फूलेगा। हाँ, हमने नमाज तक इसको छोड़ दिया था। हाँ, और सलमा इसको देख के मुझे दही वड़े याद आ रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे क्रिस्पी क्रंची पकोड़े तैयार हैं, तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। और सलमा बहुत अच्छे से फूले भी हैं, है ना? कलर भी ज़बरदस्त आया है, लगेगा ही नहीं कि आप घर पर बनाए हैं आपने। यस। तो चलें, ये एक बन गए हैं। आवाज़ भी हाजरा अच्छे से आ रही है, है ना? यस। तो ये सलमा इसको निकाल लेगी और भाई लोग मत डिस्टर्ब करो हमें। और ये देखें, ये सलमा जो बचे आलू हैं उसका बैटर जब तक ख़त्म नहीं होता है, वैसे आप भी जितना बैटर है उतने में बना लें और जिसको जितना मज़े से खाना है उतने बनाएं, है ना सलमा? स्पेशली जिसको आलू पसंद है उसको, और स्पेशली सलमा ये वाले ज़रूर ट्राई करें, है ना? हाँ, सारा टेस्ट इसी में है। आ जा भाई। हाँ, ये देखें, दिख रहा है ना? यस। देखें क्या खूबसूरत लगते हैं ये, माशाल्लाह। जगह बने हैं सलमान, तो ये भी ख़त्म कर लें, तब तक डिश आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है पकौड़ों वाली टाइटैनिक। यस। कितने ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, इतने आंखों को लुभा रहे हैं ना सच में सलमा। ये हाजरा तोड़ कर दिखाई, कितनी क्रंची है, क्या सॉफ्टनेस है। और एक बात सलमा, वीडियोस के लिए स्पेशली इस पे और भी सोने पे सुहागा आ जाते हैं। Yes. है ना, इतने जबरदस्त, ऐसे लग रहा है कि हम जो यहाँ पे ठेले पे खाते हैं वैसे नहीं, जब हम रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करते हैं ना सलमा। Yes. ऐसी फीलिंग दे रही है, है ना? यस, एग्जैक्टली। तो ये देखिए जैसे सलमा, बहुत जबरदस्त बने हैं सलमा सच में। तो हम इसको कॉफी के साथ एंजॉय करेंगे। एक तो खत्म कर लेती हूँ सलमा, ठीक है? सलमा ने खाया स्ट्रिक्टली। आप खा सकते हो हाजिरा, खा सकती हूँ। हाँ, और एक खा सकते हो आराम से। किसको प्यार करूं। ये खाती हूँ अंदर से। हाँ सलमा, आलू क्या जबरदस्त गले हैं, फ्राई हुए हैं।
आज के तो जबरदस्त खाती लाना बने हैं सलमा, है ना। आज महफिल जम जाती पर आज हमारी चारों की महफिल जमेगी हमारे घर पे ना। हर एक का तो फेवरेट होता ही होता है, पर भाई को ना इस लेवल में पसंद होते हैं पकोड़े, भज्जी दाल के साथ, हाँ मुरमुरे जो भी वो बनता है ना, ये सब स्नैक्स उन्हें बहुत पसंद है। भाई बहुत जबरदस्त बने हैं, तो चलें सलमा कॉफी बना लें। यस पी लें। तो ये कहते हुए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और जैसे सलमा ने बैटर की थिकनेस, क्वांटिटी, रेशियो जिस मकदार में बताइए ना, प्लीज उसी में फॉलो करें, क्योंकि हम बनाते हैं यूजुअली, मैं भी पकौड़ों को बनाती हूँ लेकिन ये लेवल के कभी मुझसे नहीं बन पाए हैं। इंशाल्लाह अभी अभी जो वीडियोस हो रहे हैं मेरे लिए भी वो बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, मैं क्योंकि एज अ लर्नर, एज अ बिगनर मैं भी जान सकती हूँ कि एक वीडियो को पकड़ कर उसको बनाना कितना इजी पीजी बन जाता है। और उसमें सलमा जब डिटेलिंग में बताती है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, जब जैसे मैंने लास्ट टाइम बिरयानी बनाई थी या फिर जो भी है, तो मैं भी अभी भी जो बनाती हूँ ना बहुत अच्छा एंजॉय करके बनाती हूँ मैं। आई होप कि आप लोगों के साथ भी यही होगा, अगर हो रहा है और आप सीख रहे हैं या बना रहे हैं तो प्लीज हमारा साथ दें, सपोर्ट दें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और क्या करना है सब्सक्राइब करें। तो चले चलते हैं। हाँ डिले हो गया था वीडियोस का, पर अगेन मैं कह रही हूँ ये मेरी नहीं प्रॉब्लम होती है, सलमा की होती है, जो सलमा थोड़ा थक जाती है। तो सलमा इस वीक पूरा हम इंशाल्लाह सलमा एक बहुत बेहतरीन मेरी फेवरेट रेसिपी लाएगी, आज ही बनाएगी या कल बनाएगी डोंट नो, पर बनाएगी सलमा जरूर। तो चलिए इस नोट पर हम दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिंदगी वही सफर नया। तो चलिए चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।